فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدري ويسر لي أمري وفتر من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما बल्कि जो आयात सीखी उन पे अमल करने की कोशिश की, अपने नज़रिए को बदलने की और अपने ज़िंदगी के अंदर नेमतों को तलाश करने की और अपनी महरूमियों पर नशुक्री करने की जो आदत है उसको ख़त्म करने की कोशिश की हमने। कुरान को सीखने के बाद क्या आप इसे दोबारा से अपने आप को झंझोड़ने के लिए, एहतसाब करने के लिए इसके बारे में सोचते हैं, या फिर क्लास के अंदर ही जितना सीखा उसको वाइंड अप करके और क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आपको नहीं पता होता आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? कैसा रवैया होता है कुरान के साथ, हमारा कैसा सलूक होता है? एक मिनट के लिए सोचिए, क्या कुरान हमारी जिंदगी को बदल रहा है? क्या ये हमारी सोच पे काम कर रहा है और हमारे अमल हमारी सोच के अक्कासी होते हैं कि नहीं? ये ना हो कि हम सिर्फ सुनते रहें लेकिन दिल तक बात ना जाए और तब्दीली ना आए। जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेंगे, एक तो बातों की समझ में नहीं आएगी और दूसरा यह है कि हदायत की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कोशिश करते रहें और अल्लाह है ना हमारे साथ, हमारी मदद जरूर फरमाता है। तो कल बेसिकली हमने जिंदगी की एक बहुत बेहतरीन हकीकत को सीखा था, उसके बारे में पढ़ा था और कुछ लोगों के रवैयों के बारे में कि किस तरह लोग अल्लाह के साथ अपना रवैया रखते हैं, कि मुश्किल में अल्लाह को पुकारते हैं और उसी जब ख़त्म हो जाती है मुश्किल तो बजाय शुक्र अदा करने की क्रेडिट खुद को दे देते हैं और बागी हो जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। आज उसे ज़िंदगी की मज़ीद एक हकीकत की वजाहत अल्लाह सुब्हान तआला एक मिसाल के ज़रिए दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा बेशक मसलु मसाल अल्हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की कमा इन पानी की तरह है, आज़ल्लाहू उतारा हमने हु उसे किसे पानी को, मिनस समाई आसमान से, फख तलाका फिर मिलजुल गई, बिही साथ इस पानी के, नबातु नबातात अल अर्जी ज़मीन की, मिम्मा उसमें से जो, यकुलू खाते हैं, अन्नासु लोग, वल अनामु और जानवर, हत्ता यहाँ तक के, इज़ा जब, अखदत पकड़ लिया, अल अर्ज ज़मीन ने, जुखरुफ कहते हैं रौनक को, यानी किसी चीज का कमाल हुसन, जमीन का सब्जा यहाँ मुराद है, जुखरुफा हा अपनी रौनक को, वज़ैनत और वो मुज़ैन हो गई, वगन्ना और समझ लिया गुमान कर लिया, अहलुहा इसके रहने वालों ने, अन्नहुम बेशक वो,
قادرون قادر ہیں علیہا اس پر اتاہا آ گیا اس پر اتا آ گیا ہا اس پر کس پر اس زمین پر امرنا حکم ہمارا لیلن رات کو او یا نہارن دن کو فجعلناها فاتو جعل کر دیا نہ ہم نے ہا اس زمین کو حصیدن کٹی ہوئی کھیتی کا علم گویا کہ نہیں تاغنا وہ بسی تھی بالامس کل تداری کیسی طرح نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات نشانیاں لقومی یہ تفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم آیات کو اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو زندگی کی ایک اور حقیقت ایک بہترین مثال کے ذریعے دی جا رہی ہے. دراصل پچھلی آیت کے اندر ذکر تھا کہ تم یہاں جتنی بھی سرکشی کر لو لذتوں میں مست ہو کر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہو یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور یہ سامان بہت جلد ختم ہو جائے گا. اس آیت میں اس کی تفصیلی طور پر مثال دی گئی ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو سمجھتے کیا ہو, تم اس کو ایک مضبوط اور ایک پختہ اور ہمیشہ رہنے والی زندگی سمجھتے ہو. اس کی مثال تو ایک پانی کی طرح ہے, زندگی کو پانی کی طرح تشبیہ دی گئی, پانی سے ملایا گیا. اب پانی کیا کرتا ہے؟ آسمان سے نازل ہوتا ہے. جب پانی زمین پر اترتا ہے تو زمین کی نباتات کے ساتھ مل جل جاتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیے, کبھی یہی پانی بادلوں میں تھا, بادلوں سے یہ پانی پودوں میں آ گیا, پودوں سے یہ پانی کس میں آیا؟ پھلوں کے اندر. وہ جو پھلوں کا رس اور جوس آپ پیتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ مما یأکل الناس والأنعام, اس کو کھاتے ہیں لوگ بھی اور مویشی بھی. وہ نباتات جو پانی کی وجہ سے تیار ہوتی ہے اسے کون کون کھاتا ہے؟ انسان اور جانور دونوں کھاتے ہیں. وہ پانی کا فائدہ ہی ہوا نا, زمین پہ اترا, زمین کے اندر خوب خوب مکس ہو گیا, خلط ملط ہو گیا, مل جل گیا, پھر اس سے سبزہ تیار ہوا اور زمین مزین ہو گئی, زمین بہت خوبصورت لگنے لگی. جب آپ کھیتی آپ کی تیار ہوتی ہے, وہ پھل لگتا ہے کسی بھی درخت پر, تو وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے, کتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں کو سکون اور اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. تو جو اس کا رہنے والے ہیں یعنی اس کھیت کو گانے والے, اس کھیت کے مالک یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ سب چیزیں ان کی ہیں, ان سب چیزوں پر کمال قدرت ان کا ہے. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ خود کو دینے لگتے ہیں, میں نے پانی ٹائم پہ دیا تھا, میں نے یہ کھاد ڈالی تھی, یہ تو میرا باغ ہے, یہ میری ساری چیزیں ہیں. یعنی اللہ کا کمال نہیں سمجھتے, کہتے ہیں انہم قادرون علیہا, بے شک وہ قادر ہیں اس پر. پھر کیا ہوتا ہے کہ چھپاؤں کے کھانے اور انسانوں کے لذت حاصل کرنے والے جو باغات ہیں, مختلف فصلیں ہیں, خوب خوب پھیلتی ہیں, پھولتی ہیں, سج جاتی ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سبزیاں حاصل کرنے کی, میوے حاصل کرنے کی, پھل حاصل کرنے کی مکمل قدرت رکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ امرنا, امرنا سے مراد ہے اس کے فنا کا حکم, یعنی وہ خوب پک کر زرد ہو جاتی ہے یا تو وہ کاٹ لی جاتی ہے. امرنا یعنی اس کا پک پک جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. اگلے دن آ کے جب دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں تھا. ایک اس کا حکم, ایک اس کا میننگ یہ ہے. دوسرا امرونا کا مطلب ہے کسی دشمن نے کچی ہی برباد کر دی ہو فصل,
या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आती है, सैलाब आता है, आग या तूफान की शक्ल में आकर उस पकने से पहले वाली कच्ची फसल को ही तबाह कर देता है, वो कट कर नापैद हो जाती है, गोया के कभी ये फसल थी ही नहीं। अमरुना लैलन औ नहारन, कभी रात को कभी दिन को अल्लाह का हुक्म आ जाता है, फजअलनाहा हसीदन कअलम तगना बिलअम्स, तो वो कटी हुई खेती ऐसे चटियल में दान हो जाता है जैसे कि कभी यहाँ पे कभी कुछ उगा ही नहीं था, कल यहाँ कुछ है ही नहीं था। ये तो मिसाल है एक बाग की, एक दरख्त की, एक खेत की। अब दुनिया की मिसाल की तशबीह इसके साथ कैसे दी गई है? यही हाल इंसानी जिंदगी का है। रूह पानी की तरह आसमान से जमीन पर उतरती है और बदन इससे मिलकर खूब फैलता फूलता है। जब जवानी पर आता है तो इंसान क्या करता है, इल्म और हुनर सीखता है और उम्मीद होने लगती है कि चंद रोज जी भरकर मजे उड़ाएगा। घर वालों को भी यकीन होने लगता है कि अब उनका बेटा कमा कर लाएगा। यकायक अचानक से क्या होता है, मौत आ जाती है, तमाम उम्मीदों को खाक में मला देती है। ऐसे मालूम होता है कअल्लम तगना बिल अम्स, ऐसे लगता है जैसे वो कल थे ही नहीं। कुछ मुद्दतों तक जहनों में रहते हैं, फिर अपने इंसान जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके जहनों से निकल जाते हैं, कोई याद करने वाला ही नहीं होता। सारी अपनी जिंदगी के अंदर मसरूफ हो जाते हैं। इसी तरह अगर कभी इंसान जवानी के अंदर ना भी फौत हो, इंसान अपनी उम्र पूरी करे, बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो फिर एक ना एक दिन तो उसको मरना होता है ना। ऐसे पकी हुई खेती को काट लिया जाता है। इसी तरह जब इंसान अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो फिर क्या होता है कि पकी हुई खेत या खुद काट ली जाती है या खुद बहुत चूरा बनकर बिखर जाती है। इसी तरह बुढ़ापे के बाद भी ये फना की इंसान को सोच होनी चाहिए कि मैंने कभी ना कभी अल्लाह के पास जरूर जाना है। तो इस आयत के अंदर इबरत की बात क्या है? इबरत की बात यह है कि दुनिया की हकीकत बताई गई है। जैसे बारिश बरसती है ना, तो बारिश बरसने से मुराद क्या हो सकता है, नेमतें, माल और दौलत, सहूलतें, फरावानी, हर तरह की आसाइश, हर तरह की आजादी। वो जो माल हमें मिलता है वो माल मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करता है, जैसे पानी की वजह से मुख्तलिफ नबातात जमीन में उगते हैं, जैसे कभी सेब देखते हैं, कभी अंगूर देखते हैं, कभी आप आड़ू देखते हैं, तरबूज देखते हैं, फल सब्जियां, गंदम फसलें वगैरह सारी पानी की वजह से जमीन से उगते हैं। और फिर क्या होता है, आप उसका खाते हैं और इंजॉय करते हैं, लजीज होते हैं वो फल। इसी तरह इंसान के ऊपर जो फरावानी आती है, माल उसको मिलता है, बारिश की सूरत में नेमतें उसको दी जाती हैं, वो नेमतें मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करती हैं, वो नबातात में मिलजुल कर मुख्तलिफ शक्लें इंसान की जिंदगी में रोनमा होती हैं। कभी वो माल लिबास की सूरत अख्तियार कर लेता है, इंसान महंगे महंगे लिबास अपने जेबतन करने लगता है। कभी वो माल जेवर की शक्ल अख्तियार कर लेता है, इंसान जेवर आरास्ता करता है, खुद को मुजयन कर लेता है। कभी वो माल इंसान खुराक वगैरह पे लगाता है, कभी अपनी रिहाइश पे लगाता है, कभी अपने बच्चों पे लगाता है, कभी वो माल जो है इंसान की औलाद की सूरत अख्तियार कर लेता है। वो माल जो है औलाद पे इतना खर्च करता है कि इंसान भूल जाता है कि उसकी औलाद उस माल को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। तो जुखरुप और जीनत ये इंसान के ऊपर भी नुमाया होती है, इंसान भी मुजयन हो जाता है, रौनकें नजर आने लगती हैं। कभी आप देखा होगा किसी गरीब इंसान का, सोचें जिसके पास पहले माल नहीं था, फिर क्या हुआ,
अल्लाह ने उसको दौलत दी। अब उसकी दौलत आप चलते फिरते उसके ऊपर देखेंगे, अपना घर डेकोरेट करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की शादी के फंक्शंस को इतना ज्यादा मॉडर्न कर लिया और फजूल खर्च कर लिया उसके ऊपर, अपनी जात पे फजूल खर्च किया। तो ये सारी चीजें उस पर मुजयन में लगती हैं जो नेमत अल्लाह ने उसको दी होती है, और फिर वो तराने लगता है, वो खुद को उसका मालिक समझने लगता है, वो समझता है कि शायद हम इस चीज पर कादिर हैं, हमें ये सब कुछ हमारी मर्जी से, हमारी कोशिश से, हमारी एफर्ट से मिला। फिर क्या होता है, उसके दिमाग में फख्र जब आने लगता है, वो जो फूले नहीं समाता, तो होता यह है कि उसकी सब चीजें उसके लिए आजमाइश बन जाती हैं, जिन पर फख्र कर रहा था वो ऐसे हो जाती हैं जब उसे छीनी जाती हैं, एक लम्हा नहीं लगता, या उसकी मौत, कभी इंसान बीमार हो जाता है, सबका सब खत्म, बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है, बिजनेस चलाने वाले जब ठीक नहीं है, बिजनेस चलाने वाले जब उनकी ताकतें छीन ली जाती हैं, या मौत आ जाती है, या औलाद की कोई मुसीबत इंसान को दे दी जाती है, बीमारी ऐसी लग जाती है कि इंसान का वो सारा माल उसके काम नहीं आता। फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग्ना बिलअम्स। आप इमेजिन करें ऐसे खंडर मकाना जो आपके अबाउ अजदाद के थे, कितने खूबसूरत थे ना तब, लेकिन आज वहां पे कोई रहता नहीं, या फिर वो मकाना जो उस वक्त उनकी उनका नक्शा चेंज था, अब आपने बिल्कुल उसको चेंज कर दिया, फना हो गए, ये वो मकाना जो उस वक्त तो थे लेकिन अब उन्हें सेल कर दिया गया, अब वो आपके पास नहीं रहे। तो ऐसी जगहों पे आपको जाने का मौका मिला हो जो बिल्कुल खंडर होते हैं, पुराने जमाने के मकानात होते हैं, आज भी वैसे के वैसे ही बने, लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं, उस वक्त शायद वो महल हो, उस वक्त शायद उनमें बड़ी रौनकें हों, लेकिन आज उनमें कोई नहीं रहता, बल्कि जो लोग उनका विजिट करने जाते हैं वहां जाके खौफ महसूस करते हैं, वहां पे बेरौनकी सी होती है, ऐसा लगता है जैसे कभी इस मकान के अंदर कोई रहता ही नहीं था, अल्लम तक नबिल अंस, कल इनमें तो कोई रहते नहीं था, कोई बसते नहीं था। इस तरह से सब कुछ चेंज हो जाता है, तो फिर इंसान क्यों इन दुनिया की हकीर चीजों की वजह से खुद को परेशान कर रहा है, खुद को इनके पीछे कुर्बान कर रहा है, तबाह कर रहा है, इस दुनिया के लिए, इस जेबो जीनत के लिए, इस आराइश के लिए, इस जबाइश के लिए जिस पर वो अतराना चाहता है। तो हम अल्लाह ताला से दौलत वाकई मांगते हैं, लेकिन जब दौलत मिल जाती है, तो पिछली आयत के अंदर हमने पढ़ा ना कि दौलत हमें मिल तो जाती है लेकिन हमारा दिल छोटा हो जाता है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, हम सब कुछ खुद को समझने लगते हैं, खुद परस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो गाली का नुफस्सिल आयत, अल्लाह खोल खोल कर अपनी निशानियां बयान करते हैं, वो आयतें कौनिया हो या आयतें शरईया, अल्लाह खोल खोल कर बयान करते हैं उसके लिए जो गौर व फिक्र करता है। यानी इस बात की, इस मिसाल की किसको समझ आएगी? मिसाल सीधी सी है, खेत की और उससे उगने वाले नबतात की, फिर उसके फिर गंदम कट गई, अब इसको कौन समझेगा? गौर व फिक्र करने वाले, मजीद तदब्बुर करके इसके अंदर जो छुपे हुए लर्निंग पॉइंट्स हैं उनको कौन निकाल सकता है? सिर्फ और सिर्फ गौर व फिक्र तफक्कुर करने वाला, मेडिटेशन करने वाला बंदा। अल्लाह के रसूल वही से पहले भी मेडिटेशन के लिए जाया करते थे ना गार में, और अकेले अल्लाह की आयात पर गौर व फिक्र करते थे, तब उनको भी वही नहीं आई थी। तो हमें भी जिंदगी के अंदर गौर व फिक्र को बढ़ाना चाहिए, जितना जितनी फिक्र, जितना गौर हम करेंगे चीजों पर, अल्लाह की निशानियों पर, अल्लाह की कुदरतों पर, हमारा ईमान उतना बढ़ता जाएगा, और नेकी बजाते खुद इंसान के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। जब इंसान गौर व फिक्र करता है तो इंसान की नेकियां बढ़ जाती हैं, जब नेकियां बढ़ती हैं तो एक नेकी दूसरी नेकी की तरफ मोटिवेट करती है, इंसान की कामयाबी उसकी अगली कामयाबी की तरफ मोटिवेशन होती है बहुत बड़ी, और फेलियर्स फेलियर्स की तरफ मोटिवेशन होते हैं। तो हम ये सब चीजें कब करेंगे?
जब हमें समझ आएगी, जब हमें बात हमारे दिल तक पहुंचेगी। इंसान का काम है कि इंसान जाहिरियत परस्त है, इंसान जाहिरी चीजों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता है, जाहिरी चीजों को देखकर सब कुछ भूल जाता है। हालांकि उसको सोचना चाहिए दुनिया में सब कुछ आरजी है, आज अगर ये मेरे पास है कल नहीं होगा, कल लम तक नबिल अम्स। हमारे हमारे जो अबाउजदाद थे, हमारे दादा और उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, कितने करीबी रिश्ते हैं, आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। कभी वो हमारे साथ रहते थे, आज उनको गए कितने ही अरसा हो गया, तो कभी मैंने उनको याद नहीं किया। ऐसे लगता है जैसे वो इस दुनिया के अंदर रहते ही नहीं थे, हर काम उनका उनके बगैर चल रहा है, कोई काम भी तो नहीं रुका हुआ, कोई चीज भी तो नहीं स्टॉप हुई, दुनिया ऐसे चलती गई। तो एक इंसान के जाने से फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लगता है कल्लम तक नबिल अम्स, गोया कि वो इस दुनिया में रहता ही नहीं था। यानी आप देखिए कि जैसे पजल होता है ना, तो एक एक पजल अंदर से गेम में से निकाल दिया जाए तो वो गेम पूरी नहीं होती, लेकिन इंसान अगर इस दुनिया से चला जाए ना, तो दुनिया की गेम फिर भी पूरी हो जाती है, वो चलती रहती है, एक नया पजल जन्म लेता है, एक अगर जाता तो दूसरा अल्लाह ताला अता कर देते हैं। इसलिए खुद का इकतदार और खुद की बादशाहत और इख्तियार समझना, अपने आप को बड़ा समझना, घर का बड़ा समझना, हुक्म जमाना और अपने आप को कादिर और मुतलिक समझना, इस सब चीजें इंसान के अंदर फख्र पैदा करती हैं, इंसान को उतराने पे मजबूर करती हैं। इंसान को लगता है कि वो दुनिया में फिराउन बनकर जिंदगी जिएगा, उसकी मौत नहीं होगी, लेकिन उसकी ये सोच उसको भी दगा दे जाती है। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु यद्रू इला दार सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुला रहा है। अच्छा, दुनिया की बेरगबती के लिए एक बड़ी प्यारी हदीस है कि हम दुनिया को पता नहीं क्या समझते हैं, जब हम आखिरत में जाएंगे ना, तो उस वक्त जो हमारी सोच या हमारी हालत होगी, हमें लगेगा हमने जिंदगी भी वैसी गुजारी है। हदीस में आता है, एक बहुत लंबी हदीस है, और उस हदीस के अंदर फिर दुनिया की बेरगबती और बेसबाती का जो है जिक्र किया गया है। क़यामत के दिन उस शख्स को जो अहले जहन्नम में से दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल था, उसको लाया जाएगा, उसे आग में गोता देकर निकाला जाएगा, उसे पूछा जाएगा क्या तुमने कभी कोई खुशहाली देखी, क्या तेरे पास कभी आसूदगी आई, कभी जिंदगी में तुम खुश हुए। वो जवाब देगा नहीं, अल्लाह की कसम ऐ मेरे रब, मैं कभी भी इस खुशहाली को महसूस ही नहीं किया, ऐसे जैसे मुझे जिंदगी में कभी खुशियां मिली नहीं थी। फिर क्या होगा, अहले जन्नत में से उस शख्स को लाया जाएगा जो सबसे ज्यादा बदखाल था दुनिया में, दुनिया में बड़ा गरीब था, अजमाइश पे अजमाइश, रुकावटों पे रुकावटें, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई इशू, कभी कोई तंग कर रहा है, कभी कोई ज्यादती कर रहा है, कभी कोई इल्जाम लगा रहा है। खैर, उसकी जिंदगी बड़ी ही मुश्किलों से गुजरी थी, जन्नत में से एक गोता देकर निकाला जाएगा। फिर से पूछा जाएगा क्या तुमने दुनिया में कभी कोई बदखाली देखी, या तुम्हें कभी कोई सख्ती पहुंची। वह जवाब देगा नहीं, अल्लाह की कसम ऐ मेरे रब, मुझे कभी कोई सख्ती नहीं पहुंची और ना ही मैंने कभी बदखाली देखी। क्या बात समझ में आती है, इंसान को दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगी, इवन कि अपने मजाज, अपनी कुर्बानियां, सब कुछ भूल जाएगा। अगर जहन्नम में होगा तो उसको लगेगा मेरी पूरी जिंदगी जहन्नम वाली थी, अगर जन्नत में जाएगा तो उसे ये लगेगा कि उसकी जिंदगी तो हमेशा खुशहाल गुजरी थी। सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे, सिर्फ उस वक्त की हालत जो उस वक्त होगी वो याद रहेगी। इसीलिए अल्लाह कहते हैं वल्लाहु यद्रू इला दारिस सलाम, दुनिया तो जवाल का शिकार हो जाएगी, और फिर यह है कि जो लोग आज तो उसे मोहब्बत करते हैं वो भी नफरत करने लगेंगे, जो बड़ी मोहब्बत करते हैं वो भूलने लगेंगे। तो जन्नत की तरफ आओ, जो सलामती का घर है, जहां पे रहने वाले लोग आपस में दूसरे को सलाम करते हैं। जन्नत का एक नाम दार सलाम भी है, सलामती वाला घर। ये इसलिए रखा गया क्योंकि हर किस्म की आफात और मुश्किलात से पाक होगी जन्नत में, सलामती सलामती होगी, फरिश्ते हर तरफ से उसमें सलाम करेंगे, अहले जन्नत भी एक दूसरे को सलाम का तोहफा पेश करेंगे। फरमाया सूरत यूनुस के अंदर ही हम अभी पढ़ के आए हैं ना, वतहियतुहुम फीहा सलाम, उनकी आपस की दुआ मन बगात में सलाम होगी।
फिर सलाम उन कौलम में रब्बी रहीम, सलाम हो उस रब की तरफ से कहा जाएगा जो बहुत मेहरबान है। अल्लाह की तरफ से सलामती भेजी जाएगी आपस में भी और फरिश्तों की तरफ से भी। इतनी सलामती उनकी जिंदगी के अंदर, उन जन्नत वाली जो जन्नत में रहने वाले दिन होंगे उसमें। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत की दावत देने के लिए किसको भेजा? वयहदी मयशा इला सिराति मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। क्या पता चलता है कि जन्नत को जाने वाला रास्ता सिराते मुस्तकीम है और यह रास्ता अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। लेकिन इस रास्ते की दावत के लिए अल्लाह ने किसको चुना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जाबिर रजी अल्लाह उन्हों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल और मीकाईल आपस में मेरे लिए एक मिसाल बयान उन्होंने की। उसकी मिसाल ऐसी है कि एक बादशाह ने एक महल बनाया और उसने एक शानदार दावत का एहतमाम किया। लोगों को बुलाने के लिए एक बुलाने वाला भेजा। तो जिस शख्स ने इस बुलाने वाले के कहने को कबूल किया वो महल में दाखिल हो गया। और फिर वो बंदा दाखिल होने के बाद खाना भी खाएगा उस महल में, और जो बुलाने वाले के कहने को कबूल नहीं करेगा वो ना तो महल में दाखिल होगा ना खाना खा सकेगा। फिर इन्होंने कहा कि इसके लिए इसकी वजाहत करो ताकि ये समझ जाए कि क्या मिसाल है। तो उनमें से मीकाईल और जिब्राइल में से एक ने कहा कि वो महल जन्नत है, इसकी तरफ बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिसने उनकी अताअत की उन्होंने अल्लाह की अताअत की, जिन्होंने मोहम्मद सल्लम की नाफरमानी की उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के अच्छे बुरे के दरमियान फर्क करने वाले हैं। उनको पता है कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, वो लोगों को उसी के बारे में गाइड करते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? नाफरमानी करके, इंसान बगावत करके, सरकशी करके अपनी जन्नत को अपने हाथों से ही खुद से दूर कर रहा है। यहदी मन यशाउ इला सिराते मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। लेकिन हमें अल्लाह से दुआ तो करनी चाहिए, अल्लाह ऐसे लोगों का शुमार जिनको तू इस्लाम की तरफ, सलामती वाले घर की तरफ लेके चल रहा है, हमारा शुमार भी ऐसे लोगों में कर दे। अल्लाह से कसरत से ये दुआ करनी चाहिए। इंसान की अपनी कोशिश के बाद अगला स्टेप होता है अल्लाह से दुआ करने का। तो इसलिए हम हरीस होने चाहिए जन्नत में जाने के। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें इनवाइट कर रहा है, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है कि आओ इस सलामती वाले घर की। इंसान ये नहीं कह सकेगा मुझे बताया नहीं था, या मुझे इसकी नियमत नहीं बताई गई, हो सकता है मैं आ ही जाता। लेकिन अल्लाह यहाँ पे खुलम खुली दावत दे रहे हैं, आओ तो सही, इसकी तरफ बढ़ो तो सही। तो बढ़ने के लिए क्या करना होगा? इसलिए जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन पे अमल करना होगा। और फिर इंसान सोचता है ना कि वो जन्नत में कैसे दाखिल होगा। अब इंसान ये भी सोचता है कि दुनिया के अंदर उसको रुसवाई ना मिले और आखिरत के अंदर भी वो रुसवा ना किया जाए। तो इसका जवाब अल्लाह सुब्हान तआला की आयत में देते हैं, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतु, उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा किया, जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छाई की और ज्यादा भी किया। हुस्ना अहसन से है, यानी एहसान, एहसान करना। और एहसान की तफसीर आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तफसीर हदीस जिब्राइल में आपने तफसील के साथ अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत उस तरह करो जिस जैसे तुम उसको देख रहे हो, और अगर तुम उससे नहीं देख रहे तो ये इमेजिन करो वो तुम्हें देख रहा है। इसका नाम है एहसान। इसको कहते हैं नेकी का हुसन, कि अच्छाई ऐसे करना जैसे मेरा रब मुझे देख रहा है। और अगर ये नहीं सोच सकते तो फिर नेकी का हुसन आपको नहीं मिलेगा। पहले तो ये सोचो कि तुम उसको देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर में नहीं आ सकता कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो फिर ये सोचना शुरू कर दो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और एहसान से भी ज्यादा करो, नेकियों में आगे बढ़ो। मकसद ये है कि खुलूस के साथ
अल्लाह की बंदगी करने वालों के साथ एक अजीम जायद चीज भी उनको अता होगी। तो जन्नत की दावत देने के बाद उनकी सआदतों का जिक्र किया गया है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादत, उनके लिए जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए क्या होगा जन्नत के अंदर, एक अच्छाई होगी जो उन्होंने अच्छा किया उसके बदले, व ज़ियादतुन और हम एक्स्ट्रा उसको बोनस भी देंगे उसकी बेहतरीन कारकर्दगी पर। एक तो उसको उजरत मिलेगी ना, आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया या फिर हमने कोई ऐसा काम किया जो अल्लाह को बड़ा पसंद है, उसकी नेक उस नेकी का आपको सवाब मिलेगा। लेकिन उस अच्छा काम करने की वजह से वो जो कुर्बानी आपने दी है उस पे आपको जायद भी अजर से नवाजा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तलावत की तो साथ में फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक्त एक ऐलान करने वाला पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों तुमसे एक वादा किया था अल्लाह ने, वो चाहता है कि इसे भी पूरा कर दिया जाए। वो कहेंगे वो कौन सा वादा है, क्या उसने हमारे मेजान बारी तो नहीं कर दिए, क्या इसने हमारे चेहरे रोशन नहीं कर दिए। तो इंसान अल्लाह ताला की तरफ से जब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनेगा कि लोगों अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था आज उस वादे के पूरा करने का वक्त आ गया, लोग कहेंगे अब क्या रह गया, सब कुछ तो अल्लाह ने हमें दे दिया, अल्लाह ने हमें हमारे नामा माल को भी बारी कर दिया, हमारे चेहरे भी रोशन कर दिए, जन्नत में दाखिल भी कर दिया, आग से महफूज भी कर दिया, अब ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह हमें मजीद देना चाहते हैं। सोचे वो कौन सी चीज होगी, वो कौन सी ऐसी चीज होगी जो इन सब के बावजूद भी इंसान को दी जाएगी। हर चीज मिल जाएगी लेकिन एक चीज रह जाएगी, जब इंसान को वो दी जाएगी तो वो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त उनके लिए पर्दा हटाया जाएगा और वो अपने रब का दीदार करेंगे। जन्नत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नेमत कि वहां पे इंसान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और फिर फरमाया अल्लाह की कसम इन्हें अब तक ऐसी कोई नेमत अता नहीं हुई थी जो इन्हें इस दीदार से ज्यादा महबूब हो, उसमें उनकी आंखों के लिए इससे ज्यादा ठंडक हो। तो जन्नत में जो सबसे ज्यादा सुकून देने वाली चीज है ना वो अल्लाह का दीदार है, जो इंसान की आंखों को लज्जत देती है, इंसान की आंखों को सुकून पहुंचाती है, इंसान की आंखें उसे देखकर खुश हो जाती है। वो कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिससे वो सुकून महसूस करेंगे सिवाय अल्लाह का दीदार के। अल्लाह हम सबको अपना दीदार नसीब करे और हमें ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हम उसके दीदार करने के मुस्तहिक बन सके। बहुत बड़ा मुकाम है ये, वे किन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छे अमल किए, जिन्होंने नेकियां की, जिन्होंने एफर्ट्स की, जिन्होंने लोगों को माफ किया, जिन्होंने ज्यादती करना छोड़ दी, जिन्होंने बदला लेना छोड़ दिया, जो खामोश हो गए, जिन्होंने अपनी जुबान को कंट्रोल किया, जिनकी जुबान हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जिनकी नमाजों में खुशू रहा, जो अल्लाह के रसूल की इताअत करते रहे, अल्लाह के नबी को अपना नबी मानते रहे और उनकी इताअत करने वाला उनके साथ रिश्ता बनाते रहे, एक दावी तौर पर मुहिब ना बने रहे बल्कि मोहब्बत के तकाजों को पूरा किया, वो सारे रिचुअल्स, वो सारी इबादत, वो सारी इखलाकियात, वो मामला जो में सिखाए गए उनको पूरा किया, अहसनु नेकी ऐसी की जैसे उसका हुसन उसके हुसन तक पहुंचाया, नेकी को बेहतरीन नेकी की, बेहतरीन नेकी की। तो अल्लाह ऐसे बंदों के आमाल को जाया नहीं करेंगे। वला यरहकु वुजूहहुम फतरुन वला जिल्लतुन, और ना छाएगी उनके चेहरों पे कोई स्याही ना जिल्लत। इंसान अक्सर सोचता है कि अल्लाह मुझे जिल्लत से बचाना, मुझे रुसवाई से बचाना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। इंसान सोचता है ना तो उसका कितना प्यारा जवाब है कि जो लोग अच्छा करते हैं ना अल्लाह कभी भी उनको रुसवा नहीं करता,
उनके चेहरों पे स्याही नहीं आती, ना दुनिया के अंदर ना आखरत के अंदर। वो जलील नहीं होते। लोग उनको ज्यादती तो उनके साथ कर सकते हैं लेकिन उनको रुसवा नहीं कर सकते। दोनों में फर्क है। बाज़ुकात लोग आपको आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो कोशिश कर रहे होते हैं वो खुद बदनाम हो जाते हैं, जो वो खुद रुसवा हो जाते हैं, वो खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप पर उंगली उठाने वाले की उंगली टूट जाती है क्योंकि आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन ठीक था। आप लोगों के सामने डरने की बजाय, लोगों के सामने परेशान होने की बजाय अपने रब के साथ जो कनेक्शन है वो मजबूत रखें, अच्छे अच्छे अमल करें। दुनिया के अंदर भी आपके चेहरे का सिया नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे, और आखिरत के अंदर तो क्या ही कहने, ऐसे चेहरे तो रोशन हो जाएंगे। ऐसे चेहरों को तो इंसान और बाकी लोग कयामत के दिन पहचानेंगे, नूर होगा इन चेहरों पर। दूसरे जो चेहरे होंगे कुफर वाले वो स्याह हो जाएंगे। तो इसलिए किस में आगे बढ़ना है? नेकी के अंदर, अपनी नेकी में हुसन पैदा कर। फिर ये नहीं सोचना कि मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, बस ये देख रहे हैं मैं क्या कर रही, मेरा अमल क्या है, मेरी नमाज कैसी है, मेरा इखलाक कैसा है, मैंने माफ किया कि नहीं, मुझे अच्छा सोचना चाहिए, मुझे बुरा नहीं सोचना। कोई मेरे साथ कितना कितना भी बुरा कर दे, मैंने अपने चेहरे को नूरानी बनाना है तो उसके लिए मुझे नेकी के कमाल तक पहुंचना पड़ेगा। उलाइका अस्हाबुल जन्नती हुम फीहा खालिदून। ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। यही है असल जन्नत के साथी, जन्नत में रहने वाले लोग, और ये उसमें हमेशा रहेंगे, कोई जन्नत से उन्हें निकाल नहीं सकेगा। तो किस किस को जन्नत चाहिए? दारिस्सलाम में किस किसने जाना है? अल्लाह बुला रहे हैं ना दारिस्सलाम की तरफ। तो दारुस्सलाम के अंदर जाने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो आज से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छे काम करने की। सबसे पहले तो अपने फराइज को बेहतर करेंगे। अकीदा तौहीद है, नमाज है, उसमें खुशू पैदा करना। अब चूंकि हम लोगों नमाज को वक्त पे अदा नहीं करते, नमाज को वक्त पे अदा करना नमाज का हुस्न है, नमाज को खुशू से पढ़ना नमाज का हुस्न है। जो सुनते अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे, हमने फराइज तक नमाज को महदूद कर दिया, फर्ज पढ़ लेते हैं तो बस हक अदा कर देते हैं, वो तो फिर हुसन तो ना हुआ। आप तैयार होते हैं तो जब आपको बहुत खूबसूरत लगना होता है तो आप बेस लगाते हैं, आप लिपस्टिक लगाते हैं, आप मोटिव शेड्स का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाते हैं, स्टॉलर सेट करते हैं, फिर जाके आप हसीन लगते हैं। आप सिर्फ रेडी हो जाएं तो आपका जो सर पे आप स्टॉलर ले रहे हैं वही अच्छा ना हो, बुरा हो और बड़ा गंदा सा हो, तो आपका हुस्न जो है वो मदम पड़ जाता है। आपने रेडी होने के साथ साथ ज्वेलरी ना पहनी हो थोड़ी सी, तो आप उस तरह से प्यारे नहीं लगते जिस तरह से कोई ज्वेलरी पहनकर अच्छा सा तैयार होकर लगता है। तो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए हम कितनी एफर्ट्स करते हैं, तो सोचे नमाज का हुस्न क्या है? उसको वक्त पे अदा करना, उसको खुशू से पढ़ना, उसकी सुन्नतों की अदायगी करना, उसके बाद अस्कार करना। उसको जब अदा कर रहे हैं तो उस अल्लाह के साथ ताल्लुक का जुड़ना, कनेक्ट करना खुद को अल्लाह के साथ, तो ये है नमाज का हुसन। तो इस स्टेप पे हम हमेशा अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमारे हमें अपनी नमाजों की फिक्र नहीं रहती। अक्सर दो दो नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, कजा करके पढ़ते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है सिर्फ हाजिरी जरूरी है, हाजिरी जरूरी है, लेकिन फिर हुसन तो नहीं ना आएगा। इसी तरह अहलाक को, अल्लाह के रसूल का अहलाक कैसा था, उसवे हसना, उनकी जिंदगी के सारे आमाल उसवे हसना क्या थे?
एहसान का दर्जा रखते थे। तो एहसान अगर सीखना है तो किससे सीखेंगे? अल्लाह के रसूल की जिंदगी से। कैसे अखलाक था उनका, अपने गुलाम के साथ कैसे रहते थे, हम अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कैसा रवैया रखते हैं, फिर उसके बाद छोटों के साथ कैसा रवैया होता है, बड़ों के साथ कैसा होता है, अपने एज फेलोज के साथ कैसा होता है। हुस्न तो तब हो जब उनकी ज्यादती पर हम उनको माफ करें। अगर तो वो अच्छा करें हम भी अच्छा करें, फिर हुस्न नहीं है, फिर बिजनेस है, ठीक है, वो तो सभी करते हैं। लेकिन एहसान क्या है? एहसान ये है कि कोई बुरा करे तो आप अच्छा करें, ये है हुस्न नेकी का। तो नेकी के हुस्न तक पहुंचना है तो फिर हमें कुर्बानी देनी होगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अपने हक को छोड़ना होगा। वो चीज जो आपके वो पसंद है दूसरे को भी पसंद है, अपनी पसंदीदा चीज दूसरे को कुर्बान कर, दूसरे के लिए छोड़ दे, इसको कहते हैं नेकी का हुस्न। तो नेकी के हुस्न तक पहुंचने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है, अपनी इबादात के जरिए भी, अपने इखलाकियात के जरिए भी, और अपने मुआमलात के जरिए भी, ठीक है। इखलाक वो है जो आपकी सोच है, आपका बात करने का अंदाज है, आप खयानत नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करते, सच बोलते हैं, इमानत का ईमानदारी का ख्याल रखते हैं। और मामलात क्या है कि आपका दूसरों के साथ रवैया कैसा है, आप इंसाफ के मामलात, इंसाफ के दायरे को कैसे अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, आप हक का साथ देने वाले हैं या हक पे चुप रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक कैसा है लेन देन के अंदर। तो ये सब चीजें इंसान को ठीक करनी है, फिर ही वो नेकी की हुस्न तक, एहसान के दर्जे तक पहुंच सकता है, फिर ही चेहरे पर नूर आएगा, फिर ही अल्लाह का दीदार नसीब होगा, फिर ही जन्नत में जाएंगे, मुकाम मिलेंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा, बादशाहों जैसी जिंदगी जीने को मिलेगी, और हमेशा उस खूबसूरती के अंदर, उस आराम के अंदर, उस खूबसूरत वादी के अंदर रहने का हमें मौका मिलेगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक दे, और जहन्नम से दूर करने वाले अमाल से हमें पनाह में रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता वअऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया वअज़ाबिल आखिरा। तो अपने लिए बहुत सी दुआएं किया करें कि अल्लाह खात्मा बिल ईमान करे। जब ईमान पर खात्मा होगा तो मुमकिन है कि अल्लाह के सामने अच्छी हालत में जाएं, तो अल्लाह को हम पे तरस आ जाए। अल्लाह तो बड़ा रहमान है, उसकी रहमत अपने बंदों पर बहुत ज्यादा वसी है, लेकिन इंसान का भी तो हक बनता है कि अल्लाह की बताई गई तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह इंसाफ वाला है, मालिक योम दीन, बदले के दिन का मालिक है। स्पेशली कहा उसकी डेफिनेशन जब अल्लाह की तारीफ बयान की गई तो बताया वो बदले के दिन का मालिक है, कैसे हो सकते वो इंसाफ ना करे। इंसाफ होगा वहां पे, जब इंसाफ होने लगेगा ना तो फिर हम कैसे बच जाएंगे? ऐसे नहीं हुआ कि आपने कोई अमल नहीं किया तो आप बच जाए, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। तौहीद अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो शिर्क तो माफ ही नहीं है, तो उसके बाद बाकी अमाल। तो इंशाल्लाह असाइनमेंट आज हमारी कि हमने अच्छे अच्छे अमल करने हैं दारुस्सलाम की तरफ बढ़ने के लिए, और इस सलामती वाले घर में जाएंगे तो कोई परेशानी ना, कोई रोक टोक होगी, ना थकावट होगी, ना खौफ होगा, ना गम होगा, इंसान खुशी से जिंदगी, खुशी से हमेशा वाली जिंदगी गुजारेगा। तो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك.
بك ترغب.